दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि BSc कितने ब्रांचों में की जा सकती है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये सब पता ना हो। तो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है जो BSc रेडियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होती है और कौन लोग BSc रेडियोलॉजी को कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्ज इफेक्ट के सब वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ऐसे कैरियर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो BSc रेडियोलॉजी के बारे में जानने से पहले आपको रेडियोलॉजी के बारे में जानना होगा कि ये क्या होती है। दोस्तों, रेडियोलॉजी मेडिसिन की एक ऐसी शाखा है जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे मानव शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और उन बीमारियों का सही समय पर सही तरीके से इलाज भी किया जा सकता है। रेडियोलॉजी भी दो प्रकार की होती है, नंबर एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, नंबर दो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ETC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीमारियों का पता लगाते हैं। अब जानते हैं BSc रेडियोलॉजी क्या है। BSc रेडियोलॉजी 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो मेडिकल साइंस के फील्ड में दी जाती है। इस कोर्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजिंग जैसे CT स्कैन, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ETC के बारे में सिखाया जाता है, जिससे शरीर के अंदर होने वाली बीमारी का ठीक से पता लगाया जा सके। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSc रेडियो। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th साइंस स्ट्रीम में की है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए और उनमें भी कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब जानते हैं सिलेबस ऑफ BSc रेडियोलॉजी। दोस्तों, BSc रेडियोलॉजी की फर्स्ट ईयर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, रेडियोग्राफी इक्विपमेंट, जनरल फिजिक्स, एक्सरे इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, रेडिएशन फिजिक्स, कंप्यूटर्स इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और सेकेंड ईयर में आपको पेशेंट केयर एंड एथिक्स, क्लिनिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमरजेंसीज एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है। और थर्ड ईयर में आपको इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एडवांस्ड इमेजिंग मॉडेलिटीज, क्वालिटी कंट्रोल, लॉग बुक ऑडिटिंग, एनेस्थेटिक्स इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, रेडियो बायोलॉजी एंड रेडिएशन, इमेजिंग प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर एक्सरे, डॉपलर एंड इकोग्राफी, इंटरवेंशनल प्रोसेस इन रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। अब कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जानते हैं जो आपको BSc रेडियोलॉजी करने के लिए चाहिए होती है। नंबर एक ऑब्जर्वेशनल स्किल, नंबर दो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, नंबर थ्री कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर फोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नंबर फाइव इंटरपर्सनल स्किल, नंबर 6 रिसर्च स्किल, नंबर 7 एनालिटिकल स्किल और नंबर 8 मेडिकल नॉलेज। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। आप इन स्किल्स को BSc रेडियोलॉजी करने के दौरान भी सीख सकते हैं। अब BSc रेडियोलॉजी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, BSc रेडियोलॉजी में एडमिशन दो तरीके से होता है, नंबर 1 मेरिट बेस्ड, नंबर 2 एंट्रेंस बेस्ड। नंबर 1 मेरिट बेस्ड, अगर आप जिस किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज एडमिशन मेरिट बेस्ड पर ले रही है, तो आपकी 10th और 12th की परसेंटेज मैटर करती है, फिर इसी मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। नंबर 2 एंट्रेंस बेस्ड, बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से आप BSc रेडियोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे नीट एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 3 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 4 राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 5 जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 6 छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 6 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एंट्रेंस एग्जाम। तो ये तो थे कुछ इंपोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम जिसके जरिए आप BSc रेडियोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। अब टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान लेते हैं जो BSc रेडियोलॉजी कोर्स ऑफर करते हैं। नंबर 1 श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटरी यूनिवर्सिटी गुरुगांव, नंबर 2 महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई, नंबर 4 CSJMU कानपुर, नंबर 5 दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून, नंबर 6 एम्स दिल्ली, नंबर 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना, नंबर 8 IGMC शिमला, नंबर 9 लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, नंबर 10 SIMSRC बैंगलोर। तो ये थे टॉप इंस्टीट्यूट्स जो BSc रेडियोलॉजी कोर्स ऑफर करते हैं। अब BSc रेडियोलॉजी कोर्स की फीस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, BSc रेडियोलॉजी की फीस 30,000 से 90,000 के बीच कहीं भी हो सकती है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है, लेकिन इस कोर्स की जो एवरेज फीस होती है वो लगभग 45,000 रुपए पर ईयर
होती है। अब जानते हैं बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद वो कौन कौन से कोर्स है जिनमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नंबर 1 एमएससी रेडियोलॉजी, नंबर 2 एमएससी मेडिकल रेडिएशन फिजिक्स, नंबर 3 पीजीडी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, नंबर 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफी, नंबर 5 पीजीडी इन अल्ट्रासोनोग्राफी, नंबर 6 मास्टर ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, नंबर 7 मास्टर ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल साइंस, नंबर 8 मास्टर ऑफ मेडिकल रेडिएशन न्यूक्लियर रेडिएशन। और आप इस फील्ड में पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं। अब जानते हैं बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद आप किन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, नंबर 2 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लिनिक्स, नंबर 3 रेडियोलॉजी लेबोरेटरीज, नंबर 4 डायग्नोस्टिक लैब्स, नंबर 5 नर्सिंग होम, नंबर 6 कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। अब जानते हैं बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद आपको किस पोस्ट पर जॉब मिल सकती है। नंबर 1 रेडियोलॉजिस्ट, नंबर 2 रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, नंबर 3 रेडियोलॉजी नर्स, नंबर 4 रेडियोलॉजी असिस्टेंट, नंबर 5 अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, नंबर 6 एमआरआई टेक्नीशियन, नंबर 7 सोनोग्राफर, नंबर 8 मेडिकल इमेज एनालिस्ट, नंबर 9 सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट। अब जानते हैं बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और सैलरी की बात करें तो ये डिपेंड करती है आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पर, यानी अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से 1 साल के बीच है तो आपकी एवरेज सैलरी लगभग 290,000 से 320,000 पर एनएम होगी। और यदि आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल के बीच है तो आपकी एवरेज सैलरी लगभग 370,000 से 450,000 पर एनएम होगी। और यदि आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का होता है तो आपकी एवरेज सैलरी लगभग 115,000 से 600,000 रुपए पर एनएम होगी। अब उन टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जानते हैं जो आपको बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद हायर करेंगे। नंबर 1 एम्स, नंबर 2 कोलंबिया एशिया, नंबर 3 अपोलो हॉस्पिटल, नंबर 4 सीएमसी, नंबर 5 मेदांता, नंबर 6 फोर्टिस हॉस्पिटल, नंबर 7 मणिपाल हॉस्पिटल। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।